सो हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास। आप देख रहे हैं नोवा निकल क्लासेस। और ज्योग्राफी के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आखिर कौन कौन सी रिवर इंडिया में बहती है। हमने मैक्सिमम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में डिस्कशन किया था, हमने उनकी ट्रिब्यूटरीज और उन पे बने जो रिवर्स वैली प्रोजेक्ट्स हैं हमने उनके बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइलैंड्स ऑफ इंडिया के बारे में, जिसके अंदर हम सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कौन कौन से तरीके हैं जिससे कोई आइलैंड फॉर्म होता है। फिर हम इंडिया में जो आइलैंड्स प्रेजेंट हैं हम उनके बारे में डिस्कशन करके इस लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले आइलैंड्स ऑफ इंडिया से, जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड्स की बात कर रहे हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है आइलैंड्स क्या होते हैं, जो पानी के ऊपर जमीन निकली हुई होती है हम उसे आइलैंड कहते हैं। ठीक है, पानी के बीच में जमीन हो और चारों तरफ पानी हो। ठीक है, तो ऐसे कई आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे दुनिया भर में। इंडिया में ही अगर आप बात करेंगे तो इंडिया में 1197 आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनका फॉर्मेशन जो है वो कई तरह से हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें जापान के आइलैंड की और हवाई आइलैंड की, तो ये जो बने हैं वोल्केनो फॉर्मेशन से। देखिए, जब वोल्केनो इरप्ट हुआ तो उनकी जो लावा था वो जब पानी में गिरा तो वहां पर वो बना आइलैंड, तो उसे हम कहते हैं वोल्केनो आइलैंड। ठीक है, फिर उसके अलावा भी कई तरह के प्रिंसिपल इस पे दिए गए हैं, जैसे कि एमर्जेंस को हिंदी में बोलते हैं उमज्जन। उमज्जन मतलब होता है जब क्या हुआ, जो माउंटेन थे पानी के अंदर, तो जब सी वाटर कम हुआ तो माउंटेन्स जो है वो बाहर की तरफ आ गए, तो इसे हम कहते हैं एमर्जेंस, मतलब बाहर की तरफ आना। एक होता है सबमर्जन, उसमें क्या होता है कि जो पहाड़ थे कुछ ज्यादा ही ऊंचे वो क्या हो गए, नीचे चले गए। ठीक है, या फिर हम बोले वाटर लेवल जो है वो ऊपर की तरफ आ गया माउंटेन के, तो बात एक ही है। तो इसमें क्या होता है, सबमर्जेंस होता है, यानी निमज्जन होता है, जिसमें जो पानी है उसका उसके लेवल पर ये डिपेंड करता है। जबकि हमने एमर्जेंस में पढ़ा था कि जो माउंटेन थे वो ऊपर की तरफ आ गए थे। ठीक है, तो जैसे कि इंडिया में अगर आप देखें तो अंडमान निकोबार जो है वो सबमर्जेंस के एग्जाम्पल है। फिर आपको बताना चाहिए रिवर एंड आइलैंड के बारे में। रिवर्स जो होती हैं उनके बीच में जो जमीन होती है, अगर वो ज्यादा उठी हुई है तो रिवर उसको कवर नहीं कर पाएगी, और कवर नहीं कर पाएगी तो वहां पे बन जाएगा रिवराइन आइलैंड, यानी रिवर से बना हुआ आइलैंड। ठीक है, इन्हें हिंदी में द्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो रिवराइन आइलैंड यानी जो नदी द्वीप होते हैं वो हमें मजुली आइलैंड हमें देखने को मिलता है इंडिया में, जो कि ब्रह्मपुत्र असम में बना हुआ है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। ठीक है, इसकी ये खासियत है कि दुनिया की सबसे बड़ा जो रिवराइन आइलैंड है वो इंडिया में देखने को मिलेगा, ब्रह्मपुत्र रिवर में असम में। ठीक है, ये इनहेबिटेबल है, इस पर कोई रहता नहीं है। फिर आपको पता होना चाहिए शिव समुद्रम के बारे में। शिव समुद्रम कर्नाटक में है कावेरी रिवर के ऊपर, और ये भी एक रिवराइन आइलैंड है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला हमने पढ़ा वोल्केनो आइलैंड जैसे कि जापान और हवाई का। ठीक है, फिर हमने पढ़ा एमरजेंस का। एमरजेंस में क्या होता है, जो माउंटेन जमीन के अंदर थे वो बाहर की तरफ आ गए पानी में, समुद्र में, तो वो आइलैंड्स बन गए। और एक होता है सबमर्जेंस, जिसका एग्जांपल अंडमान निकोबार है। इसमें क्या हुआ, जो वाटर लेवल था वो अप चला गया, तो उसकी वजह से जो माउंटेन थे उसके ऊपर की जो जमीन थी वो बन गई आइलैंड। ठीक है, तो अंडमान निकोबार इसका एग्जांपल है। फिर उसके बाद में रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड क्या होते हैं, जो रिवर्स के ऊपर बने होते हैं। रिवर्स जो है वो ऊंची जमीन को कवर नहीं कर पाती, पानी उनका वहां तक नहीं पहुंच पाता, इसकी वजह से वहां पे बन जाता है रिवराइन आइलैंड। तो मजुली आइलैंड और शिव समुद्रम इंडिया में एग्जाम्पल है। मजुली जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर में असम में बना हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड। फिर उसके बाद में कोरल रिफ्ट से भी बनते हैं। कोरल्स क्या होती है, ये क्या होते हैं, एक तरह के जीव होते हैं, ये जब इकट्ठे होते हैं तो वहां पे जो आइलैंड बनता है हम उसे कह रहे हैं कोरल रिफ्ट आइलैंड। ठीक है, और इंडिया में 1197 आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइस, ये तो हो गया आइलैंड्स के बारे में कि आइलैंड का फॉर्मेशन आखिर हुआ कैसे। इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए हमारे आइलैंड्स के बारे में। इंडिया में जो आइलैंड्स हैं हम उनकी बात करेंगे, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, सो गाइस, अंडमान निकोबार आइलैंड को जानने से पहले आपको आर्किपेलगियो के बारे में पता होना चाहिए। आर्किपेलगियो जो होते हैं वो होते हैं जब ग्रुप ऑफ आइलैंड बहुत सारे आपस में मिल जाते हैं या फिर आसपास होते हैं तो हम उन्हें आर्किपेलगियो कहते हैं। जैसे इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया जो कंट्री है वो बहुत सारे आइलैंड्स पे बनी हुई है। ठीक है ना, बहुत सारे आइलैंड्स के मिल के जाके वो एक कंट्री बनती है, तो इसीलिए वो एक आर्किपेलगियो है। आर्किपेलगियो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो अंडमान निकोबार जो है वो आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा, ये भी एक तरह का आर्किपेलगियो है, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना हुआ है। इसके अंदर टोटल
572 आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे, 572 आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे बे बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड के ग्रुप्स में, ठीक है। और एरिया जो है इनका वो है 8,250 स्क्वायर किलोमीटर, काफी बड़ा एरिया है, इसलिए इंडिया इसे कभी भी छोड़ेगा नहीं। तो 8,250 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। कोस्ट लाइन की बात करेंगे अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स की, तो लगभग लगभग 2000 किलोमीटर, या फिर एग्जैक्ट बताऊं तो 1962 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर की इसकी कोस्ट लाइन है। ये इंडिया की यूनियन टेरिटरी है जिसे 1 नवंबर 1956 में बनाया गया था। तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार एक तरह की यूनियन टेरिटरी है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि आर्किपेलागो कहलाता है। 572 आइलैंड्स का ये मिक्सचर है, 8,250 स्क्वायर किलोमीटर इसकी इसका एरिया है। कोस्ट लाइन की बात करेंगे तो 1962 किलोमीटर की इसकी कोस्ट लाइन है, और ये यूनियन टेरिटरी है जो कि 1 नवंबर 1956 में बनाई गई थी। और जो यूनियन टेरिटरी होती है उनके होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आज है अंडमान निकोबार के वो है डीके जोशी, यानी कि देवेंद्र कुमार जोशी लेफ्टिनेंट गवर्नर है यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार आइलैंड के, ठीक है। कई लेफ्टिनेंट गवर्नर और भी रहे हैं, ये अभी लेटेस्ट में है। पॉपुलेशन की अगर आप बात करेंगे अंडमान निकोबार की, तो इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है, फिर भी हमें पता होना चाहिए 3,50,000 की इस पर पॉपुलेशन है, जिसमें सबसे ज्यादा आपको मिलेगी ट्राइब्स, ठीक है। ट्राइब्स आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी इन आइलैंड्स पर। फिर उसके बाद में इस पर जो ट्राइब्स है उनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि जरोवा, सेंतलीस, ओर्ग, अंडमानी, ये जो है ये ट्राइब्स हैं जो कि यहाँ पर रहती हैं, आज भी निवास करती हैं। लार्जेस्ट जो आपको ज्यादा पॉपुलेशन में मिलेगी वो है जरोवा। जरोवा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में आपको ट्राइब देखने को मिलेगी अंडमान निकोबार में। और जो सेंटलीज हैं, 2018 में क्या हुआ था, यूएस का एक बंदा था जिसका नाम था जॉन चाउ। जॉन चाउ जो था वो यहाँ पर गया था इनसे मिलने के लिए, इन लोगों से, सेंटलीज से। अब जो सेंटलीज हैं इनका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, इन्हें ये भी नहीं पता कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, ये इंडिया का पार्ट है, ये अपनी छोटी सी दुनिया में खुश है, और यहाँ पे जो भी गया इन्होंने उसे मारा ही है, ठीक है। तो 2018 में यूएस के जॉन चाउ गए थे जो कि मारे गए थे। तो याद रखिएगा जॉन चाउ का नाम, जॉन सीना याद मत रखिएगा। यहाँ की कैपिटल जो है वो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर यहाँ की कैपिटल है, अंग्रेजों के टाइम से ही ये बनी हुई है। साथ ही साथ में निकोबार आइलैंड जो है इस पे आपको देखने को मिलेगी शैम्पेन और निकोबारी ट्राइब्स, ठीक है। तो ये ट्राइब्स हैं शैम्पेन और निकोबारी। शैम्पेन ड्रिंक की बात नहीं हो रही, शैम्पेन जो है ट्राइब भी है जो निकोबार में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, जहां पर पूरे ही साल जो है वो ग्रीन रहे फॉरेस्ट, तो उसे हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। 60% से ज्यादा जो है अगर हम मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करेंगे तो वो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे, पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे, इसलिए मैंग्रोव फॉरेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। दलदली एरिया होता है वहां पर ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। तो गाइस ये तो था अंडमान निकोबार का कुछ बेसिक डिटेल्स। आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि 1789 में ब्रिटिशर्स ने पोर्ट ब्लेयर को फाउंड किया था एज अ कैपिटल, ठीक है। तो जो अंडमान निकोबार की कैपिटल थी वो पोर्ट ब्लेयर 1789 में ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, ठीक है। और यहाँ पर एक वायसराय की डेथ भी हुई है जिनका नाम था लॉर्ड मेयो। 1869 से लेकर 72 तक इनका कार्यकाल था, और इसी दौरान इनकी मृत्यु यहाँ पर हुई थी, इनको मारा गया था। और इनको मारने वाला जो था वो था अफगानी पठान शेर अली अफरीदी। नाम याद रखेगा, शेर अली अफरीदी ने लॉर्ड मेयो को अंडमान निकोबार आइलैंड पर यानी कि पोर्ट ब्लेयर में मारा था। 8 फरवरी 1872 की ये बात है। साथ ही साथ में आपको पता होना चाहिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में यहाँ पर एक सेंटर बनाया था। किसका बनाया था, इनकी एक फौज थी जिसका नाम था अर्जे हुकूमते आजाद हिंद फौज, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इन्होंने ये बनाया था, आपने सुना होगा हिटलर से मिलने गए थे, उसके बाद में इन्होंने ये फौज का निर्माण किया था 1943 में। सो याद रखिएगा कि 1789 में ब्रिटिशर्स ने पोर्ट ब्लेयर को एज अ कैपिटल माना, वायसराय की डेथ हुई थी यहाँ पर, या किल किया गया था उन्हें लॉर्ड मेयो, जिनको अफगानी पठान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 में मारा था, ठीक है। नेताजी ने यहाँ पर एक सेंटर बनाया था 1943 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, अर्जे हुकूमते आजाद हिंद फौज का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये हमने जाना
अंडमान निकोबार की हिस्ट्री के बारे में, अब आपको इसका कुछ स्ट्रक्चर जो है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि म्यांमार का एक आइलैंड है जिसका नाम है कोको आइलैंड, तो जो कोको चैनल है उससे सट के उसके नीचे की तरफ है अंडमान आइलैंड, ठीक है। तो अंडमान में भी आपको इसका डिवीजन पता होना चाहिए। जैसे कि जो मेन अंडमान है, ऐसे तो 572 आइलैंड्स है अंडमान निकोबार पर आपको पता होना चाहिए क्या अंडमान जो है वो मेनली तीन आइलैंड्स पर आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान, ठीक है। तो जो नॉर्थ अंडमान है इसके ही पास में इस पे ही आपको सेडल पिक मिलेगी जो कि अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पिक है, ठीक है। सेडल पिक जो है वो हाईएस्ट पिक है अंडमान की, या फिर हम बोले नॉर्थ अंडमान की। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे नारकोंडम आइलैंड देखने को मिलेगा जहां पर आपको एक डोमेंट यानी कि जो सुसुप्त वोल्केनो होता है, यानी कि जो बुझ गया हो जिसमें अब फायर नहीं होगा, वो वोल्केनो आपको देखने को मिलेगा कहां पर, नारकोंडम आइलैंड पर, आइलैंड पर। फिर आपको बताना चाहिए मिडिल अंडमान के बारे में, इस पर आपको देखने को मिलेगा एक आइलैंड सट के है इससे थोड़ा सा अलग है, बेरन आइलैंड। बेरन आइलैंड जो है वो साउथ एशिया का एक्टिव वोल्केनो है, याद रखिएगा साउथ एशिया का एक्टिव वोल्केनो अगर पूछा जाए तो वो है बेरन आइलैंड, मिडिल अंडमान के पास में है या फिर मिडिल अंडमान पर ही मान लीजिए। फिर साउथ अंडमान की बात करते हैं, साउथ अंडमान पर आपको अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर देखने को मिलेगी, ठीक है। यहीं पर आपको सेलुलर जेल यानी कि काला पानी जिससे हम कहते हैं काला पानी वाली सजा जो मिलती है वो इसी पोर्ट ब्लेयर वाली साउथ अंडमान पर दी जाती है, यहीं पर सेलुलर जेल बना हुआ है काला पानी जेल, ठीक है। और यहाँ पर आपको पोर्ट ब्लेयर पर वीर सावरकर एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। आपको पता होना चाहिए वीर सावरकर को इस काला पानी जेल में रखा गया था जहां पर उन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वाली जो बुक है वो लिखी थी, ठीक है। वीर सावरकर एयरपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बटुकेश्वर दत्त को भी इस सेलुलर जेल में रखा गया था, पर आज इस सेलुलर जेल को यानी काला पानी जेल जो है इसे बदलकर हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। जो साउथ अंडमान है इसी के लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दो आइलैंड्स देखने को मिलेगा, दो आइलैंड्स देखने को मिलेंगे जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनके नाम बदलकर, जब उस समय वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे 1943 में, तब उन्होंने यहाँ पर दो आइलैंड पर अपना कब्जा जमा लिया था, या फिर हम बोले इन्हें आजाद करवा लिया था। तो उसका नाम पहले था हावलोक आइलैंड जिसका नाम उन्होंने स्वराज रखा गया था, और एक था निलसिस आइलैंड जिसका नाम उन्होंने शहीद आइलैंड रखा था, और एक आइलैंड था रोज आइलैंड जिसको आज हम बोस आइलैंड कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा हावलोक आइलैंड जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस ने यानी नेताजी ने स्वराज रखा था, और एक था निलसिस आइलैंड जिसका नाम शहीद आइलैंड रखा गया था, और एक था रोज आइलैंड जिसका नाम आज बदलकर बोस आइलैंड रख दिया गया है। जो अंडमान है और जो निकोबार है इनके बीच में से एक पास निकलता है जिसे हम डिंकन पास कहते हैं, याद रखिएगा डिंकन पास साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है, ठीक है। फिर लिटिल अंडमान और 10 डिग्री चैनल के मतलब 10 डिग्री चैनल जो है वो बीच में से जा रहा है, और ये जो है कार निकोबार और लिटिल अंडमान को अलग करता है। फिर से समझिए, साउथ अंडमान, फिर उसके बाद में डिंकन पास, फिर लिटिल अंडमान, फिर 10 डिग्री चैनल, और फिर कार निकोबार, ठीक है। तो कार निकोबार के बाद में आपको देखने को मिलेगा सुब्रेनो चैनल, ठीक है। तो सुब्रेनो चैनल जो है वो कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को अलग करती है। देखिए ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि कोको आइलैंड जो था वहां से कोको चैनल मिलती है, कोको चैनल कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान को अलग करती है। फिर उसके बाद में साउथ अंडमान पे पहुंचे हम, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आपको डिंकन पास देखने को मिलता है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में सुब्रेरो चैनल आपको देखने को मिलती है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। साथ ही साथ में आपको जो याद रखने वाली चीज है वो ये है, जो ग्रेट निकोबार है वहां पे आपको देखने को मिलेगा इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट के बारे में आपको याद रखना है, ग्रेट निकोबार पे आपको देखने को मिलेगा, और फिर उससे नीचे जाएंगे तो आपको सुमात्रा आइलैंड देखने को मिलेंगे जो जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सो गाइस, ये हमने जाना अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में, उनका स्ट्रक्चर समझा हमने, उनकी हिस्ट्री के बारे में जाना। अब कुछ अलग चीजें की बात करते हैं, जैसे कि कोरल। तो कोरल क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, किस किस तरह की कोरल्स फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो कोरल्स जो है वो 20 डिग्री से लेकर तो 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में फॉर्म होती है, और आपको याद रखना है कि जो कोरल्स हैं वो आपको ज्यादातर ईस्ट साइड में, किसी भी आइलैंड के ईस्ट साइड में देखने को मिलेगी। ये तीन तरह के हो सकते हैं, जैसे कि एटोल्स,
एटोल्स का एग्जाम्पल आप लक्षद्वीप को देख सकते हैं, पूरे ही आइलैंड के चारों तरफ आपको यहाँ पर कोरल्स देखने को मिलेगी, जिसे हम एटोल्स कहते हैं या फिर प्रवाल कहते हैं। ठीक है, तो एटोल जो है वो चारों तरफ किसी भी आइलैंड के लग जाती है, जैसे कि लक्षद्वीप इसका एग्जाम्पल है। तो कभी आपसे पूछे कि लक्षद्वीप किस तरह की कोरल का एग्जाम्पल है, तो आप याद रखेंगे एटोल। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए बैरियर के बारे में। ये क्या करते हैं, ये पानी और आइलैंड के बीच में एक तरह का बैरियर बना देते हैं, पानी को फ्लो नहीं होने देते हैं। ठीक है, और ये एक तरह का बैरियर क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि ग्रेट ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बैरियर जो है वो आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, जो कि पानी को रोकता है और बड़ा ही अच्छा दिखता है, कलरफुल होता है। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए फ्रिंजिंग के बारे में। क्या होता है, कोरल्स जो होती है किसी भी आइलैंड के ईस्ट साइड में अगर अटक जाती है तो उसे हम कहते हैं कोरल फ्रिंजिंग। ठीक है, और इसे हम एग्जाम्पल की तरह देख सकते हैं अंडमान निकोबार पर। ठीक है, और ये क्या होती है, एक तरह का जीव होता है, ऑर्गेनिज्म होता है ये, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में रहता है। ठीक है, सिम्बायोसिस जिसे हम कहते हैं वो प्रोसेस होती है, और जू सेंटलिस एल्गी के साथ में ये रहना पसंद करता है। तो जब इनकी डेथ होती है ना, तो ये चूने में कन्वर्ट हो जाते हैं, चूने का फॉर्मूला होता है CaCO3, ये लाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये मरने के बाद में कलर इनका जो है वो व्हाइट कलर का हो जाता है, जिसे हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। ठीक है, और इसकी वजह क्या है, टेम्परेचर बढ़ना। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये बाहर निकल आते हैं, मतलब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, अगर उससे ज्यादा हुआ तो ये अपने शेल से बाहर आ जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है, और ये व्हाइट कलर में बदल जाते हैं, जिसे हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। तो गाइस याद रखिएगा, अगर आपसे कोरल ब्लीचिंग के बारे में पूछे तो आप इस प्रोसेस को याद रखें। ठीक है, टेम्परेचर जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें है। तो गाइस ये हमने जाना कोरल के बारे में, और इससे पहले हमने अंडमान निकोबार की हिस्ट्री, साथ ही साथ में हमने अंडमान निकोबार का स्ट्रक्चर को बड़े अच्छे से जाना था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आने वाले नए टॉपिक जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में हमें जो बात करनी है, हमें रेल ट्रांसपोर्टेशन यानी रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, और साथ ही साथ में हम रोडवेज की बात करेंगे। तो मिलेंगे हम अब नेक्स्ट लेक्चर में। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आपको अगर इसमें कुछ गलती नज़र आती है या मैंने कुछ गलती से बोल दिया हो तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।